भगवान श्री कृष्ण में गीता के उपदेश में कहा गया है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है। वही जब बुद्धि काम नहीं करती तब तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का नाश हो जाता है। इस तरह हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध भी भ्रम पैदा करता है। इंसान गुस्से में कई बार ऐसे काम करता है जिससे उन्हें काफ़ी हानि पहुंचती है। वही अगर क्रोध पर काबू नहीं किया गया तो इंसान कई गलत कदम उठा लेता है। वही जब क्रोध की भावना इंसान के मन में पैदा होती है तो हमारा मस्तिष्क भी सही और गलत के बीच अंतर करना छोड़ देता है। इसलिए इंसान को हमेशा क्रोध के हालातों से बचकर हमेशा शांत रहना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला इंसान को गहरी क्षति पहुंचाता है। व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता। श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म को नहीं छोड़ सकता, अर्थात जो साधारण समझ के लोग कर्म में लगे रहते हैं उन्हें उस मार्ग से हटाना ठीक नहीं है, क्योंकि वे ज्ञानवादी नहीं बन सकते। वही अगर उनका कर्म भी छूट गया तो वे दोनों तरफ से भटक जाएंगे, और प्रकृति व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। जो व्यक्ति कर्म से बचता है वह तो कर्म छोड़ देता है, लेकिन मन ही मन उसमें डूबा रहता है। अर्थात जिस तरह व्यक्ति का स्वभाव होता है वह उसी के अनुरूप अपने कर्म करता है। मनुष्य को देखने का नज़रिया। गीता में मनुष्य को देखने के नज़रिए पर भी संदेश दिया गया है। इसमें लिखा गया है, जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है उसी का नज़रिया सही है, और जो अज्ञानी पुरुष होता है उसे ज्ञान नहीं होने की वजह से वह हर किसी चीज़ को गलत नज़रिए से देखता है। इंसान को अपने मन को काबू में कैसे रखा जाए, गीता में यह बताया गया है। गीता सार में उन लोगों के लिए संदेश दिया गया है जो लोग अपने मन को काबू में नहीं रखते, क्योंकि ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकता रहता है और उनके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। मन व्यक्ति के मस्तिष्क का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जब व्यक्ति का मन सही होता है तो उसका मस्तिष्क भी सही तरीके से काम करता है। खुद का आकलन करें। गीता सार में यह भी उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को पहले खुद का आकलन करना चाहिए और खुद की क्षमता को जानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपने आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञात के संदेह को अलग कर देना चाहिए। जब तक मनुष्य खुद के बारे में नहीं जानेगा उसका उद्धार नहीं हो सकेगा। मनुष्य को खुद पर विश्वास करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया कि हर मनुष्य को खुद पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर भरोसा नहीं करते वह निश्चय ही सफलता हासिल करते हैं। वही इंसान जैसा विश्वास करता है वह वैसा ही बन जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छे कर्म करे और फल की इच्छा ना करे। जो लोग कर्म नहीं करते और पहले से ही परिणाम के बारे में सोचते हैं ऐसे लोगों के लिए गीता का सार यह उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। इसमें श्री कृष्ण ने कहा कि इंसान को अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होगा, क्योंकि कर्म का फल हर इंसान को मिलता है। इसलिए इंसान को इस तरह की चिंता को अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए कि उसके कर्म का फल क्या होगा, या फिर किसी काम को करने के बाद वह खुश रहेंगे या नहीं। अर्थात कर्म करने के दौरान इंसान को परिणाम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। किसी भी काम को चिंता मुक्त होकर शुरू करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य की इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है।
जाहिर है कि मनुष्य के सुख और दुख में मन की स्थिति एक जैसी नहीं रहती। सुख में मनुष्य ज़्यादा उत्साहित हो जाता है और दुख में वह बेकाबू हो जाता है। इसलिए गीता में कहा गया कि सुख और दुख दोनों में ही मनुष्य के मन की समान स्थिति हो, इसे योग भी कहा गया। वही जब सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके बिना फल की इच्छा के कोई काम करता है तो उस समय वह मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। और जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है उसका मन ही उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं कर पाता उसके लिए वह मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वही जो मनुष्य अपने अशांत मन को वश में कर लेता है उसका परमात्मा की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए सुख और दुख, सर्दी और गर्मी, मान अपमान सब एक समान हो जाता है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि खुद पर पूरा भरोसा रखे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। गीता में बताया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पालन करे तो निश्चय ही वह एक सफल व्यक्ति बन सकता है। जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करे तो वह निश्चय ही अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। लेकिन यदि मनुष्य को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार चिंतन करते रहना चाहिए तभी लक्ष्य प्राप्त हो पाता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, तनाव से दूर रहने का संदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि लोगों को तनाव से दूर रहना चाहिए क्योंकि तनाव इंसान को सफल होने से रोकता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अपना काम को प्राथमिकता दे और इसे पहले करें। श्री मद्भगवद गीता में श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया कि अपने काम को पहले प्राथमिकता दे और पहले अपने काम को पूरा करने की कोशिश करें, तभी दूसरों का काम करें। क्योंकि जो लोग पहले अपने काम को नहीं करते और दूसरों का काम करते हैं वे लोग अक्सर परेशान रहते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि लोक में जितने देवता हैं सब एक ही भगवान की विभूतियाँ हैं, सब एक ही है। श्री मद्भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी उपदेश दिया कि सब एक ही भगवान की विभूतियाँ हैं। जो लोग भगवान के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं और उनकी अलग अलग शक्तियों में भरोसा रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह जान लेना बेहद ज़रूरी है कि सभी एक ही भगवान की विभूतियाँ हैं। मनुष्य के अच्छे गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के रूप हैं। इसका सार यह है कि लोक में जितने देवता व एक ही भगवान हैं, वही कोई पीपल को पूज रहा है तो कोई पहाड़ को, कोई नदी समुद्र को पूज रहा है, बल्कि सब एक ही हैं। असंख्य देवता हैं जिनका कोई अंत नहीं है। लोग अपनी अपनी आस्था के मुताबिक देवी देवताओं के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, सभी एक ही भगवान की विभूतियाँ हैं। जो लोग भगवान का सच्चे मन से ध्यान करते हैं वह पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। गीता में कहा यह उपदेश दिया कि जो लोग सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं और अपना पूरा ध्यान भगवान की शक्ति में लगा देते हैं वे लोग पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। वही जो मनुष्य परमात्मा के सर्वव्यापी, अकल्पनीय, निराकार, अविनाशी, असल स्थिति स्वरूप की उपासना करता है और अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके सभी परिस्थितियों में समान भाव से रहते हुए सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है, उस पर ईश्वर की कृपा जरूर बरसती है। आपको बता दें कि गीता सार में महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, अपने मन को
मुझ में ही स्थिर कर ले, अपनी बुद्धि को मुझ में ही लगा ले। इस तरह तू निश्चित रूप से मुझ में ही हमेशा निवास करेगा। वही अगर तू ऐसा नहीं करता अर्जुन, तो भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा पैदा कर सकता है। इस तरह तू मेरे लिए कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अपने काम को मन लगाकर करें और अपने काम में खुशी खोजें। जो लोग अपने काम को मन लगाकर करते हैं और अपने काम में खुशी ढूंढ लेते हैं, वे लोग निश्चित ही सफलता प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, वही दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी काम को बोझिल समझकर उस काम को सिर्फ निपटाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग किसी काम को ढंग से नहीं कर पाते और अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि किसी भी तरह की अधिकता इंसान के लिए बन सकती है बड़ा खतरा। गीता सार में श्री कृष्ण ने यह बात कही कि इंसान के लिए किसी भी तरह की अधिकता घातक साबित हो सकती है। जिस तरह संबंधों में कड़वाहट हो या फिर मधुरता, खुशी हो या गम, हमें कभी भी अति नहीं करनी चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जब तक मनुष्य के जीवन में संतुलन रहेगा, वह सुख से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकेगा। अर्थात मनुष्य को ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ करने से बचना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि हमेशा स्वार्थी नहीं बने रहे। श्री कृष्ण ने गीता सार में उन लोगों के लिए इस उपदेश के माध्यम से बड़ी बात दी है, जो लोग दूसरों की भलाई न कर पाते, अपने स्वार्थ देखते हैं, स्वार्थ साधने में लगे रहते हैं, उन लोगों का कभी भला नहीं हो सकता। आपको बता दें कि इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की तरफ धकेलता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। वही गीता में यह भी कहा गया कि स्वार्थ शीशे में फैली धूल की तरह हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब। वही अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना जीवन खुशीपूर्वक व्यतीत करें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने स्वार्थ को कभी अपने पास नहीं आने दें, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य दोस्ती भी सिर्फ अपना स्वार्थ निकालने के लिए करता है, उससे बचकर रहें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह उपदेश दिया, ईश्वर हमेशा मनुष्य का साथ देता है। आपने अक्सर यह सुना होगा कि जिसका कोई नहीं होता, उसका भगवान होता है। गीता सार में यह भी कहा गया कि ईश्वर हमेशा मनुष्यों का साथ देता है। वही जब व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है, तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। सृष्टि निर्माता ईश्वर ही है, जो संपूर्ण जगत को चला रहा है। वही इंसान तो बस ईश्वर की हाथ की एक कठपुतली है। इसलिए इंसान को कभी अपने भविष्य या फिर अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर विकट परिस्थिति में ईश्वर इंसान का साथ देता है और उसे मुश्किल से बाहर निकालता है। इसलिए हम सभी को ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है। जिन लोगों में शक या संदेह की आदत होती है, या फिर जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा शक करते हैं, ऐसे लोगों के लिए श्री कृष्ण ने कहा कि पूर्ण सत्य की खोज या फिर संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है, क्योंकि शक करना ऐसी आदत है जो कि मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खोखला कर देती है। वही जिज्ञासा होना भी लाजमी है, लेकिन पूरी तरह सत्य की खोज या फिर संदेह ही इंसान के दुख का कारण बनती है, और शक करने वाले इंसान बाद में इसका पश्चाताप करते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी उपदेश दिए अगर उपदेशों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो वे निश्चित ही अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। गीता सार के ये उपदेश
वाकई एक सफल जीवन के निर्माण करने में अहम भूमिका निभाते हैं। आप देख रहे हैं मोटिवेशनल गुरु राहुल। सही लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।